कि जैसे किसी के ऊपर प्रेत आत्मा आ जाती है या तो वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि काम वासनाएं होती ना इनके अंदर है। क्या ये जो अतृप्त आत्माएं है होती हैं वो ह्यूमंस के साथ इंटीमेट होना चाहती हैं कई बार मैंने क्योंकि बहुत केसेस मैंने सुने हैं की रात को मेरे साथ ऐसा हो गया या वैसा हो हा, गया हा, क्या हा, वो हमारे साथ सेक्सुअल सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है तरुण शर्मा शो वंस अगेन और आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही मज़ेदार क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारे बीच में होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती हम बात करेंगे भूत प्रेत और पिशाचों की दुनिया के बारे में कैसे वो हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं क्यों वो हमारी दुनिया में बसे हुए हैं आज भी क्या वो उतने ही बुरे और उतने ही नेगेटिव हैं जितना उनको बताया जाता है और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो हम लोगों की दुनिया छोड़ के जा सके तो आज हम बात करेंगे रमा जोशी जी के साथ जो कि एक रेकी हीलर हैं एक एस्ट्रोलॉजर हैं पामिस्ट हैं और बहुत ही बड़ी शिव भक्त भी हैं तो चलिए बात करते हैं रमा जोशी जी के साथ तो रमा जी वेलकम टू तो द तरुण शर्मा शो कैसी हैं आप बहुत अच्छी हूँ थैंक यू सो मच आपका हमारे शो पर आने के लिए और आज हम बहुत सारी अमेजिंग बातें हमें बताने के लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शो में बताया बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस भी करना चाहती थी यूट्यूब पे कई चीज़ें हम बोल भी नहीं पाते तो अच्छा है बोल लेंगे जी तो रमा जी शुरू करते हैं जी तो रमा जी मुझे एक बात बताइए हम बहुत सारे उसमें देखते हैं लोग एक एनर्जी की बात करते हैं कि भाई हम सब उसी एनर्जी से निकले हैं और वो एनर्जी पॉजिटिव है जी। तो थोड़ा सा मुझे आप ये बताओ कि वो एनर्जी एक्चुअली में क्या है उसका स्टार्ट क्या है और वो कभी एंड भी होगी और उसी से हम सब लोग बने हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेन कर दीजिए बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा इस बारे में हम शिव संहिता में जान सकते हैं शिव संहिता में बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बारे में है और मैंने वो पढ़ी भी है हम सब एक ही ऊर्जा से आए हुए हैं और वो ऊर्जा उसके अनुसार मैं भी यही मानती हूँ वो शिव ही हैं सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड में ओम की ऊर्जा जो कि हमेशा विद्यमान रहती है नासा भी मानता है वो ऊर्जा हमेशा विद्यमान है और उसी ओम की ऊर्जा ने अपने आप को ये सोचा कि मुझे इसको जन्म लेना है मुझे किसी चीज को बनाना है अच्छा। शिव की ऊर्जा, ऊर्जा के दिन ही ने अपने स्वरूप को लिया अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि सृष्टि का जन्म शिवरात्रि के दिन ही हुआ अच्छा। और शिव स्वयंभू है मतलब खुद ही उन्होंने अपने आप को बनाया उनको किसी ने नहीं, नहीं बनाया उसके बाद बाकी ऊर्जाएं बनी अच्छा। तो शिव ही सारी ऊर्जा के दाता या ये कह लो कि जो भी सुप्रीम ऊर्जा है वो शिव ही हैं कंप्लीट और हम सब एक ही ऊर्जा जाएं तो मतलब ये क्यों कहा जाता है कि शिव और शक्ति जब मिले तो इस संसार का या इस प्रकृति का जन्म हुआ जब आप बोल रहे हो कि शिव पुराण के अकॉर्डिंग शिव, शिव, हाँ, शिव, हाँ, हाँ। शिव ही शक्ति है सही था जी हां शिव संहिता के अकॉर्डिंग शिव ही शक्ति है शिव ने ही इन सब चीजों का हाँ, जन्म किया है हाँ। शिव ने ही किया तो शिव ही शिव की ही शक्ति तो वो शक्ति है शिव के अंदर ही सब कुछ है ना जब हम शिव की बात करते हैं तो वो सिर्फ शिव नहीं है वो तो संपूर्ण पूरा उनका परिवार है ना शिव भी है उसमें माँ भी आ जाएंगी गणेश जी भी आ जाएंगे कार्तिकेय भी आ जाएंगे उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी विष्णु को भी उन्होंने ही बनाया तो सारी चीज़ें शिव के साथ ही जुड़ जाती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई ये क्यों कहते हैं कि जब शक्ति आई तो ही बनी तो कार्तिक ये कोई उनके गर्भ से उत्पन्न थोड़े ना हुआ पार्वती माता के जी। वो तो फिर शिव की ही ऊर्जा से हुए क्योंकि उतना ज्यादा तो पार्वती माता सहन ही नहीं कर सकती थी जितनी वो बड़ी ऊर्जा थी शिव की अच्छा। और शिव की ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जो कि हम नवरात्रि में करते हैं हम क्या करते हैं नवरात्रि में कि हम माँ ने धीरे 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 अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाया पहले उन्होंने शिव जी के लिए प्रार्थना करी फिर उन्होंने शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए फिर उनका विवाह हुआ फिर भी वो तपस्या करती रही फिर पुत्र हुआ और उसके बाद हालांकि उनके गर्भ से नहीं हुआ लेकिन पुत्र हुआ उसके बाद भी वो तपस्या करती रही कई सालों तक और धीरे धीरे अंत में जाके उनकी जो तपस्या थी वो कहाँ गई थी वो उन्होंने पूरी तंत्र की भी नॉलेज उनको शिव ने स्वयं दी जब वो कंप्लीट नॉलेज से बढ़ गई भर गई माता और उसके बाद फिर अर्ध नारेश्वर रूप जो कि शिव आधे तब शक्ति उनकी उस ऊर्जा तक पहुंच पाई थी माँ जो थी अच्छा तो तब जाके ही तो दोनों की ऊर्जा तभी तो हुआ जो कि हम नौमी वाले दिन कहते हैं वही तो रूप था और शिव माँ शिव जी का तो फिर दोनों एक ही ऊर्जा हम अलग नहीं ले सकते कि भाई दोनों मिलन हुआ तब हुआ शिव जी ने ही उनको बनाया फिर उन्होंने उस ऊर्जा तक अपने आप को पहुंचाया जो की शिव है अगर शिव ही ही ऊर्जा है तो वो जैसे हम लोग आजकल बहुत सारे उसमें देखते हैं कि बोला जाता है भाई ये नेगेटिव एनर्जी है ये पॉजिटिव एनर्जी है शिफ्ट हाँ, तो नेगेटिव नहीं हो सकते नहीं नहीं ये तो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तो, आपने वो नेगेटिव नहीं हो सकते तो नेगेटिव ऊर्जा आती कहाँ से हाँ देखिए कोई भी जो भी ऊर्जा होती है जब हम सबने साइंस में पढ़ा है कि सबसे छोटा कण ऊर्जा क्या क्या है एटम है एटम में तीन ऊर्जाएं होती है एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल और पॉजिटिव सेंटर में होती है आसपास नेगेटिव होती है कोई भी ऊर्जा में तीनों चीजें होती हैं। एक आदमी अच्छा ही अच्छा हो चल जाएगा क्या उसके अंदर गुस्सा नहीं चाहिए क्या उसको लालसाएं नहीं चाहिए इच्छाएं नहीं होंगी तो वो जिएगा किसके लिए सारी चीजें साथ में होती हैं वो तो, okay. तो जरूरी है हम उसे नेगेटिव बोल देते हैं लेकिन नेगेटिव इच्छा जैसे नेगेटिव है हुँ। अब इच्छा ही नहीं होगी तो फिर मैं जीऊंगी क्यों हुँ। मेरे अंदर इच्छा थी ना कि मैं आऊ इस बात को बोलू लोगों को ये भी तो जरूरी है ना मोक्ष की भी तो इच्छा ही होती है जो हम इतना घंटों मेडिटेशन करते हैं जी। तो वो नेगेटिव हो जाती है अगर हम दूसरे का नुकसान करते हैं लेकिन हम नेगेटिव बोलते हैं लेकिन नेगेटिव थोड़ी ना है तो क्या मैम ये जो एनर्जी है जो जैसे अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो ये होती क्या है मतलब जैसे अगर मैं बोलूं तो जैसे शिव है शिव की तो सभी पूजा करते हैं ठीक हाँ। है, है भूत प्रेत पिशाच या हम लोग भी भी उनकी पूजा करते हैं, ये भी उसी एनर्जी का पार्ट है तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि भूत प्रेत भी वही हैं हम भी वो ही इनमें क्या कनेक्शन है वो जो ऊर्जा है वो उनका भी पार्ट कैसे हो सकती है क्योंकि मेन ऊर्जा तो जो बताया कि शुरुआत तो शिव से ही हुई है अब आपने देखा कि उनकी बारात में भूत प्रेत सब नाचते हुए गए थे इसीलिए डर भी गए थे तो एक्चुअल में क्या है जब अब हम लोगों को रूप मिला है अच्छा। उनको रूप नहीं मिला है जो ऊर्जाएं जो भूत प्रेत हैं उनके पास रूप नहीं है अच्छा। जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं हमारे पास भौतिक शरीर है तीन शरीर होते हैं हमारे एक भौतिक शरीर एक सूक्ष्म शरीर एक कारण शरीर कारण शरीर में ही हमारी आत्मा विद्यमान रहती है तो हमारे पास भौतिक शरीर है उनके पास नहीं है लेकिन उनके पास भी ऊर्जा तो है ऊर्जा वाला शरीर तो है सूक्ष्म शरीर तो है उनके पास ऐसा तो नहीं है कि नहीं है क्योंकि नहीं होता तो फिर तो वो कुछ भी नहीं होते ना तो वो भी शिव की पूजा करते हैं हम भी शिव की पूजा करते हैं जब तक हम सब जीवित हैं तब तक हम देख रहे हैं एक दूसरे को जब हम नहीं रहेंगे तो हम नहीं मतलब हम फिर किसी को नहीं दिखाई देंगे शरीर और वो आत्मा अलग अलग हो जाएगी अब हमारी जैसे एक दुनिया है वैसे ही हमारे आसपास इन ऊर्जाओं की भी दुनिया है अच्छा। जिसमें हम कहें भूत रह रहे हैं अच्छा प्रेत रह रहे हैं पिचाश रह अच्छा। रहे हैं अब जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो हो गया ये कौन सी डायमेंशन होती है मल्टीवर्स मल्टी यूनिवर्स टाइप की कुछ चीज हो गई और ये होती है एक्चुअल और तरंगे भी हैं बहुत सारी सारी जैसे कि हम बात करते हैं कि रेडियो चल रहा है मोबाइल चल रहा है ये भी तरंगे है और हमारे जैसी ऊर्जाएं भी हैं क्योंकि जो जिसकी भी मृत्यु होगी उसकी आत्मा अलग हो जाएगी भौतिक शरीर से अच्छा, वो ऊर्जा अलग होगी अब हम उसे आत्मा नहीं कह सकते क्यों क्योंकि आत्मा तो प्योर होती है पवित्र होती है उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं होते लेकिन व्यक्ति की जब मृत्यु होती है उसके अंदर बड़ी सारी इच्छा होती है अरे अभी तो मैंने सब्जी बनाई थी मैंने खानी है मैंने तो ऑफिस जाना है तो उसके अंदर कितना होता है अरे ये वाली बात तो मैंने वो तो पांच रुपे, दस रुपए का भी सोच रहा होता है जब अगर अचानक से वो चला जाएगा तो उसके अंदर इच्छाएं होती हैं लालसाएं होती हैं जीना होता है तो वो उसे प्रेत बना देती हैं और ये इच्छाएं हमें भारी कर देती है अच्छा। अब यहाँ हम हैं यहाँ वही चीजें रहेंगी जो भारी हैं जो हल्की होगी पानी में भी तो जो भारी है वो डूबेगा ना जो हल्का है ऊपर रहेगा तो इनको ऊपर जाना होता है मृत्यु के बाद यमराज के पास तो उसके लिए इनको हल्का होना होता है अच्छा। कि हल्की कैसे होंगी जब इतनी इच्छाएं इनके मन में अरे मुझे इसको ये वाली बात बतानी थी कैसे बताऊं मैं क्या करूं तो वो अपनी इच्छाएं जिनकी रह जाती है तो वो प्रेत बन जाते हैं अब हमें करते हैं ना हम लोग इतने सारे करते हैं मृत्यु के बाद कि भाई उस आत्मा का क्योंकि गरुड़ पुराण में इतना सारा विवरण है कि मृत्यु के बाद ये सारी चीजें आत्मा को कष्ट होता है वैतरणी नदी पार करनी होती है आप अपनों के लिए इतनी सारी चीजें करो वो वैतरणी नदी क्या है यही सारी चीजें तो है कि अपने अंदर से वो इच्छाएं हमें खत्म करनी है वो सब कुछ तभी तो हम मेडिटेशन करते हैं पूजा करते हैं कि हम बाहर आ जाए इन सारी इच्छाओं से वो रह जाती हैं हम करते हैं ना उनके लिए श्राद्ध भी करते हैं फिर हम अपने पितरों का हर बारी उसमें हम अमावस्या में भी दान देते हैं ये सब हमें करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें लाइट करती है उस आत्मा को उसके अच्छा। जो वो कर्म है उसकी इच्छाएं मुझे ये कपड़े चाहिए लोग करते है ना, को देते को देते हैं ना पंडितों को देते हैं उनके नाम से तो वो चीज़ें वो ग्रहण करती है हमें अच्छा लगता है कि इसने मुझे दिया हमें किसी की चीज का लालच नहीं होता कोई हमें कह दे ना आपको एक गिफ्ट दिया hmm. ऐसा तो है नहीं कि भाई हीरा बहुत ज्यादा कुछ पहन को, को, को कुछ हो जाता है खुशी है ना वो हीरा है वो खुशी ही आदमी को कितनी देती है hmm. तो आत्मा खुश हो जाती है आपने ही दिया तो हमें वो सब चीजें पार करके जाना पड़ता है hmm. वो प्रेत बनते हैं लेकिन पिचाश वो होते हैं जो कि जैसे किसी की एक्सीडेंट हो जाए डेथ और मतलब अकाल मृत्यु एक्चुअल में तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अकाल कुछ भी नहीं होता है सब अच्छा। कुछ निश्चित ही होता है अगर भाई हो ये, वो भी निश्चित है क्योंकि सुना है कि आपको दो तीन टाइम होता है जब आपके पास चांसेस होते हैं कि आपकी डेथ हो सकती है अगर ये क्रॉस कर जाओ लेकिन वो क्रॉस तो भाई कोई संत ही कर सकता है ना ये तो या किसी संत का हमारे ऊपर हाथ हो हम कहाँ उस एनर्जी में कि हम अपनी मृत्यु को पार लगा दे इतनी बुद्धि भी तो भ्रष्ट हो जाती है कोई मना करेगा वहां ना जाओ एक संत भी आदमी चला जाता है मृत्यु को पार करना तो आसान ही नहीं है ना जो आपने अकाल मृत्यु बोला एक्सीडेंट हो जाए मर्डर हो जाए उनके मन में एक जैसे अचानक कोई व्यक्ति मर जाए एकदम दुख ग्लानी बहुत सारी बातें इच्छाएं कुंठाएं अरे मैं क्या करूं इसने मुझे क्यों मारा तो वो बदलाव वाली एक भावना भी आ जाती अच्छा। है ना फिर वो पिचाश बनते हैं है सोख लेते हैं और ये सच में होता है अच्छा। ऐसा और प्रेत क्या है जैसे अगर आपके आसपास रहेंगे जैसे मैं आपसे भी डिस्कस कर रही थी कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एनर्जीज हैं दो एक इधर एक इधर ये मुझे कोई पिचाश वाली एनर्जी नहीं लगी मैंने आपको क्या बोला कि कोई नेगेटिव नहीं है क्योंकि भाई इच्छाएं किसी की रह गई वो प्रेत बन जाते हैं तो ये नॉर्मल एनर्जीज हैं कि अभी बैठी हैं अपना टाइम पूरा करनी है अच्छा। या तो भाई भाई अब या तो हम हवन करें या हम कुछ जाप ऐसा करें कि इन एनर्जीज का जो ये भारीपन है कैसे है। जाएगा हम कहते हैं ना कि भाई अच्छी बातें सुनो जब हम हवन करते हैं घी में वो सारी सामग्री डालते हैं तो पॉजिटिविटी जो आती है उसी ऊर्जाओं के अंदर जो जो वो 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 नेगेटिविटी निकलती रहती है उनकी चाये, चाये, उनकी जो भी चीजें इनके अंदर से खत्म होती रहती है तो, वो हल्के होते रहते बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी तो क्या करना चाहिए उनम सेम, 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 सेम अब क्या है कि उनके अंदर ना अब सब प्रेत भी नेगेटिव हो जाएंगे वो भी धीरे धीरे नेगेटिव पिचाच बन सकते हैं अब ये हाँ अच्छा, ये, अब ये, ये तो जंगलों में रहते हैं इनको क्या पसंद है अंधेरा पसंद है पानी हो पेड़ हो और साथ में इनके जब भी हम कुछ भी करें पेड़ के नीचे शिवलिंग जरूर हो पूजा तो ये भी करते है ना शिव जी की अच्छा तो इनको भी तो पूजा करनी होती है अब हम इनके तारण के लिए तो कुछ करते ही नहीं है ये बिचारे कहा जाए पेड़ के नीचे किसी ने शिवलिंग रखा कोई आपके मंदिर बना देता है भाई मंदिर मत बनाओ वो बेचारे कैसे करेंगे उनको तो, तो अलाउड ही नहीं, नहीं है ना मंदिर में, में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ना वो कैसे जाएंगे इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपको बचना है आप ज्यादा से ज्यादा आप मंदिर जाओ रेगुलर आप देखते नी बालाजी में सब जाते हैं तो फिर आप वो तो हनुमान जी का तो है ही है क्या बोले हम कि भाई वो तो है ही है नेगेटिविटी से हटाने हाँ। वाले लेकिन आप मंदिर जाओ ज्यादा से ज्यादा वहां थोड़ी ना प्रवेश एक करेंगे सवाल मेरे दिमाग में अभी भी आया आप जब बात कर रहे थे हम लोग आपने बोला था शिव जी की शादी में भी भूत हाँ। और ये पिशाच प्रशाद हाँ। उनके तो भाई उनके तो सब हैं शिव तो मतलब भगवान है और ये आप बोल रहे हो कि ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं नहीं नेगेटिव नहीं कहेंगे देखिए अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ मेरी मृत्यु होगी तो मैं भी तो उसके बाद इनमें से एक एनर्जी बनूंगी ना अब मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे नहीं बनना है क्योंकि मुझे इन चीज का ज्ञान है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ तो हम भाई राग द्वेष हम पहले ही खत्म कर लेंगे कि भैया हमें भगवान ऊपर ले लो अच्छा। तो फिर हम क्यों वो चीज करेंगे नेगेटिव क्यों बोलेंगे अच्छा। क्योंकि उनमें हमारे पित्र भी होंगे हमारे अपने भी होंगे तो हम उनको नेगेटिव पिचार जरूर नेगेटिव है जिसके मन में गुस्सा है अब क्या होता है तांत्रिक लोग इनको वश में कर लेते हैं अच्छा। अब फिर भाई वो उनसे अपने काम कराते हैं तो ज्यादा बुरा कौन हुआ इंसान हुआ ये, ये लोग हुए ज्यादा क्योंकि हमने इनके घर भी तोड़ दिए जंगल हमने पूरे खत्म कर दिए अब इनके रहने को कोई जगह नहीं तभी तो हमारे बिल्डिंगों में रहते हैं हर दूसरे तीसरे घर में आप देखो भूत प्रेत और तंत्र की प्रॉब्लम क्योंकि जाएंगे कहाँ जंगल काट काट के तो हमने अपने घर बना लिए जंगल, तो जंगल में रहते हैं तो रहते ही थे ऑब्वियस और ये चले भी जाते ना अब श्री राम को आपने देखा होगा कि श्री राम गए थे विश्वामित्र ले गए थे उन्हें सुबाह का, का वध करने के लिए क्योंकि वो हवन और और सुबाहु का उन्होंने किया था क्योंकि वो करने ही नहीं देते थे ना ऋषि मुनियों को हवन क्यों क्योंकि हवन हवन होगा तो वो नेगेटिव एनर्जीज को जाना ही पड़ेगा जा। वो प्रॉब्लम उनके लिए हो जाती है तो वो नेगेटिविटी उनके अंदर की निकलती है कहते हैं ना अच्छी बात है आप सुन लो तो वो उनके अंदर के निकल जाती नेगेटिविटी तो वो उनको बर्दाश्त नहीं था वो उसको ध्वस्त करते थे वो श्री राम को ले गए अब श्री राम ने तो ताड़िका का वध कर दिया हम तो है ही नहीं ना हम कोई राम है हम कुछ नहीं कर सकते हम क्या कर सकते हैं सिर्फ हम हवन कर सकते हैं पूजा पाठ कर सकते हैं है। मंत्र कर सकते हैं है। है। पेड़ लगा सकते हैं पेड़ों के नीचे जब हम लगाएं तो शिवलिंग भी रखें इन्हें भी तो प्रार्थना करनी है अच्छी भी तो होती हैं सोल्स जो नहीं जा पा रही माँ है किसी के छोटे बच्चे हैं वो रह गई उसे भी तो जाना है वो भी तो चाहेगी थोड़ा टाइम रहेगी फिर तो जाएगी ना छोटे बच्चे माँ एकदम से कैसे चली जाएगी आप बताइए आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसे आपको कभी कोई सोल हाँ। से कभी आपका कुछ इंटरेक्शन हुआ हो जी हाँ मैंने सोल से भी और ये जो बुरी वाली है पिशाच वगैरह से भी आपका कभी इंटरेक्शन हुआ हाँ, है हाँ, एक बार ये पिशाच से भी हुआ था तो डर तो बहुत लगा ये तो लेटेस्ट ही है एक्चुअली ये सोल इसको तो मैंने देखा हम इसे सोल भी नहीं कह सकते या, मतलब सोल तो हम उसको कहेंगे जो कि पवित्र है जो कि आत्मा अभी ऊपर चलेगी इंग्लिश में तो सोलह ही को कहा जाता है हम तो आत्मा जिसे हम कहते हैं तो एक बार एक लेडी आई थी उसके बेटे ने ने किया था बीस साल में शादी भी उस बच्चे ने जल्दी कर ली थी और कोई बात हुई बीस इक्कीस में जिसने सुसाइड ही कर लिया तो एक साल दो साल हुए थे शायद उसकी शादी के और उसने सुसाइड कर ली कोई बात हुई वाइफ के साथ तो अपनी लव मैरिज थी उसकी कोई नाराज भी हुई पंखे से लटक गया माँ आई कि भाई मेरे को बहुत दुख होता है कि उसने कर ली पता नहीं वाइफ ने उसकी क्या बोला उसको नाराजगी थी और वो बोले जा रही है और थोड़ा अब माँ है माँ तो रोएगी साल ही हुआ था बच्चे की डेथ हुए में मुझे एकदम से पीछे ना उसके लेफ्ट की तरफ एक लड़का दिखा पतला सा गोरा ट्रांसपेरेंट सा अच्छा वो फर्स्ट टाइम था मेरे ऑफिस में मुझे ऐसा लगा कि वो पीछे खड़ा है और उसने सफेद और लाल रंग की शर्ट पहनी है लाइट सी पैंट एकदम गोरा चिट्टा बाल ऐसे है तो मैंने मेरे को भी एकदम थोड़ा सा कप नहीं लगा अच्छा लगा कि देखो माँ के साथ बच्चा खड़ा मैं हैरान रह गई उसको देख के मैंने कहा वो आपका बेटा क्या ऐसा है गोरा चिट्टा और पतला कहती हाँ मैंने कहा आपके पीछे खड़ा आप क्या कहना चाहते हो आपके मन में जो बात आप बोल दो वो सुन दो तो फिर उन्होंने कुछ बोला थोड़े उनके आंसू आए मेरे भी आंसू आए बच्चा ही है तो देखकर फिर हम लोगों को बहुत मतलब अच्छा लगा जो बोलना चाहती थी फिर कहती मैं उसे रोज़ खाना खिलाती हूँ अपने बेटे को भाई माला उसको भई चढ़ाई नहीं है मैंने मैं रोज़ उसको रोटी पहले उसको खिलाती हूँ मैंने कहा यही आप गलत करते हो वो जाना चाहता है वो परेशान हो रहा है वो कह रहा है क्योंकि उसने भी मुझे कुछ बोला होगा प्रॉपर तो अब मुझे बहुत साल हो गए याद नहीं जब मैंने खोला ही था अपना ऑफिस तब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं भी थोड़ी सी बोल गई कि भैया ये क्या हो गया हम रेखी वगैरह करते हैं तो ये तो मेरे लिए भी नया था फिर मैंने कहा आप इसका गया में जाके कंप्लीट वो करो और इसको जाने दो वो जा नहीं पा रहा है आपने उसे रोक रखा है फिर कर लिया फिर उनकी बेटी के घर में बेटी हुई अच्छा, बेटा नहीं हुआ बेटा होता तो उन्हीं के उसका रहता बेटी हुई उसी दिन हुई जिस दिन उनके बेटे का जन्मदिन था अच्छा, फिर उन्होंने एज अ बेटा उसको क्योंकि उसका तो टाइम पीरियड था ना अभी रहने का उन्होंने तर्पण उसका कर दिया था पूरा अब उसने दूसरा जन्म लिया वो है अभी सात आठ साल की होगी वो बच्ची अभी की नहीं थी क्लाइंट से तो हम पेमेंट लेते हैं ठीक है और तो मतलब अपनी रिश्तेदारी में की अच्छा। तो मैंने कहा जैसे होता है हमारे घर में भी किसी को चल मैं कर देती हूँ ठीक ही नहीं हो रहा है दस दिन हो गए बारह दिन हो गए सुन भी रहे होंगे तो कहेंगे किसने वीडियो में बोल दिया तो, तो गुस्सा ना करें तो फिर उसके बाद उसके बाद उनकी मेरे उनको तो फीवर ठीक हो गया मेरे को को सुबह सुबह फोन किया उन्होंने मुझे रात ही फीवर चढ़ गया था मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि मैं दो घंटा तो कम से कम करती हूँ मेडिटेशन हीलिंग करती हूँ और सब मतलब सारी चीजें मेरा रूटीन है तो फिर मैंने कहा रात को ही हो गया फीवर मैंने ध्यान नहीं दिया हल्का सा फीवर लग रहा है मैंने कैसी ठंड लग रही होगी अभी कुछ दिन पहले हल्की हल्की ठंड भी थी ना तब फिर मॉर्निंग में मेरे को लगा कि एनर्जी नहीं है मैं समझ गई मैंने कहा ये तो मेरा अपना ही है भाई मैं अपनों को तो बीमार नहीं होने दूंगी मैं समझ गई ये तो कोई नेगेटिविटी है जो कि ऑलमोस्ट उसको लेने ही आई थी मैंने कहा मैं तो उसको कर नहीं सकती रिलीज पूरा दिन मुझे ऐसा लगा मतलब मैं हाथ नहीं हिला सकती थी अच्छा, तो मतलब वो ठीक हो गए वो वो ठीक हो गए तो उन्जे... मेरे पास मुझे तंग किया ना फिर उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है उनके उसमें जैसे पितृदोष टाइप कहते हैं वो एनर्जी है फिर मैंने कहा मैं रात तक झेल लेती हूँ और फिर उसके बाद रात को आ, भाई फिर अब ये रात को तो झेल नहीं पाएंगे कुछ हो जाए तो अपनों को तो हम नहीं कर सकते ना मैं तो मैंने कहा सुबह इसको हमारे पास होता है रेकी में अच्छा। कि हम ची बॉल बना के इसको डिस्कनेक्ट कर लें अच्छा। लेकिन मैंने की नहीं फिर उसके बाद मैंने मॉर्निंग uh, तक मैंने कहा मैं वेट करती हूँ इतना कर ले। लेकिन रात को फिर मुझे भी अपने पित्र दिख गए थे तो मैं तो ठीक हो गई अच्छा। फिर मेरे ही घर में किसी और की तबीयत खराब हो गई अच्छा। फिर मैंने चीवल बनाई और मैंने कहा भैया मेरे को फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कोई पिचाश का कोई श्राप है फिर मैंने उससे माफी मांगी मैंने कहा भैया गलती हो गई फिर मैंने उनको समझाया मैंने कहा आप इसकी पूरी जो पूजा है इसकी करो इसको तृप्ति चाहिए इसको मुक्ति चाहिए आप कर नहीं रहे हो और आपके ऊपर इसका श्राप है फिर उन्हें समझाया फिर जिसने करना था वो चली गई कहीं और अच्छा। अब अटकता है ना चीज भी अब भी उनको कभी कभी फीवर आ रहा है लेकिन दोनों अच्छा। बार बार कह रही हूं इसकी पूजा कराओ उसकी पूजा क्योंकि करवानी है वो तो दोष है ना क्योंकि उनके डेथ हो जा रही है सडन अभी भी दो डेथ हो गई थी पहले भी सडन डेथ हो गई है तो मैंने कहा अभी आपकी बारी थी बात बताओ मैम ये फिर ये पता कैसे चलता है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा श्राप है या पिशाच है वो तो किसी ने बताया ना उनके वहाँ पे जो देखते हैं अच्छा, उन्होंने बताया कुंडली, कुंडली से पता... पे पता चल जाता है काल सर्प दोष दोष और पित्र दोष राहु केतु तो। अच्छा ये वही है ये वही है मतलब अगर आपकी कुंडली के कौन से घर में अगर ये दोनों है तो आपके ऊपर ये हो सकता अगर अगर सारे ग्रह आपके राहु केतु के बीच में आ जाएं, तो तो काल सर्प है कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज ने ही आपको जकड़ा हुआ है अच्छा। और आपको वो अटका रही है अच्छा। और अगर पितृदोष तो नवम भाव उसमें गुरु भी पीड़ित होना चाहिए नवम भाव नवमेश भी होना चाहिए राहु केतु का इफेक्ट भी होना चाहिए अच्छा। कि कुछ ऐसा आपने कर दिया है क्योंकि पित्रों में हम क्या लेते हैं कि हमारे पितर हम क्या बोल देते हैं हमारे पितरों ने ना कुछ कर दिया था उसका हम झेल रहे हैं नहीं ये गलत फहमी भी मत लीजिए उन्होंने भी किया होगा लेकिन वो जो नवम भाव के पित्र है कुंडली के हिसाब से वो हम ही हैं नवम भाव कुंडली का होता है जो भी हमारे कर्म है जितने भी हमने किए हैं कंप्लीट वो हम नवम भाव से देखते हैं तो हमने ही जब हम पितृ रूप में थे ऐसा कुछ कर दिया था जो हमें झेलना पड़ रहा है किस चीज की पूजा करवानी चाहिए उसमें तो अलग से पंडित जी करते हैं काल सब की पूजा होती है अच्छा हाँ राहु केतु की पूजा होती है शिवलिंग की पूजा होती है अच्छा। उसमें ऐसा कुछ उपाय भी होता है कि आप घर पे भी उसको कुछ कर सको घर पे तो देखो पूजा तो करवानी ही पड़ेगी और उसके अच्छा। बाद आपको अपना नेचर भी देखना पड़ेगा क्या आपकी नेगेटिविटी है कुंडली के हिसाब से और आपको अपने कर्म भी करने पड़ेंगे उन लोगों के लिए ठीक दान भी करना पड़ेगा और अमावस्या और अमावस्या से दो दिन पहले आप अपना शिवलिंग में दूध चढ़ाइए और दान जरूर कीजिए अमावस्या के दिन पितरों का क्योंकि ये नेगेटिव तीन दिनों में ज़्यादा एक्टिव रहती है ज्यादा पावर आती है इनके पास ऐसा, ऐसा क्यों होता है मैम कि ये अमावस्या के टाइम पे या पूर्ण जब पूर्णमासी होती है बोला जाता है हाँ। ज्यादा एक्टिव होती है ऐसा क्यों अमावस्या में एक्टिव होती है क्योंकि जो चंद्रमा का अंधेरे वाला पक्ष है वहां पे इन पितरों को स्थान मिला हुआ इन सारी ऊर्जाओं को स्थान मिला अच्छा। हुआ है। ये वही है एंड चंद्रमा क्या है ऊर्जा ही तो है जब वो नहीं होती है तो वहां पे ये वाली ऊर्जा है और जो मन की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो जब चंद्रमा में रोशनी रहती है वही ऊर्जा ये वाला

उनके साथ कोई चल के आ जाता है है ऐसा क्यों कि जन्म में कुछ नहीं किया तो आपके ऊपर नहीं होगा आपको कुंडली में कोई चीज भोगनी है लेकिन नेचुरल तरीके से आप नहीं भोग सकते तो अननेचुरल तरीके से अननेचुरल एनर्जीज के थ्रू ही आपको कष्ट दिया जाता है आपने कुछ किया है तभी तो वो एनर्जीज आपके साथ आई लेकिन आप बच सकते हैं अगर आपका और स्ट्रांग होगा जैसे आप सुबह उठे भाई अपना जल्दी उठे सूर्य को जल चढ़ाइए उससे और स्ट्रांग होता है तुलसी के पत्ते डेली तीन खाइए चबाते नहीं है तुलसी के पत्ते तोड़ के उसे खाइए और उसके बाद जल चढ़ाइए तुलसी में शिवलिंग में जल चढ़ाइए पूजा रेगुलर कीजिए दिया जलाइए मंदिर रेगुलर जाना चाहिए और हवन हवन जरूर करनी चाहिए अगर आप ऐसा करते रहेंगे ना एनर्जी आएगी आपके घर एंटर नहीं करेगी वो अच्छा। अगर आपके घर में रेगुलर हवन होता है आप कराइए पंडित जी से कराइए नहीं कि भाई ले आए भैया हम तो हवन ले आते हैं खुद ही करके नहीं नहीं देखो जो पंडितों का काम है लोगों को लगता है भैया हम क्यों दे तो इतना पैसा मांग लेते हैं जो पंडित का काम है उसने जीवन अपना उसी त्याग तपस्या में कर दिया है क्या तुम वो एक गरीब ब्राह्मण से तुम अपना मुकाबला करके अगर कर लोगे तो तुम क्या हासिल कर लोगे आज के में ना उनको कुछ भाई कहो कि भाई आरक्षण की वजह से भी वो पीड़ित हैं नहीं।, नहीं ये बात सच है तो तुम ब्राह्मण को ही करने दो ना वो वाले कर्म जो ब्राह्मण को करने हैं वो सात्विक जीवन जीता है वो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं

अब मैं खाती थी लेकिन मैं रेकी करने लग गई मेडिटेशन करने लग गई मेरा छूट गया बिल्कुल अच्छा इवन ये कहो कि ये छूट गया अब तो लसन भी ऑलमोस्ट छूट गया मैंने कहा अच्छा। ये क्या हो गया मुझे मैं मतलब कुछ भी नहीं अपने आप ही छूट गया और मैंने कुछ नहीं किया है कि मैंने चाहा भी नहीं कि मैं हीलिंग में डालूं जब आप धीरे-धीरे आपके एनर्जीज प्योर होने लग जाती हैं आपको वो सहन ये एक दिन मैंने खाई तो तो मेरा पेट ही खराब मतलब अब मुझे ना उल्टी आती है, अच्छा। आप से दूर होती रहती है।, ऐसा, है। ऐसा भी होता है कि भी कोई आत्मा है या हाँ। वो कोई पिशाच है वो आपसे गुस्सा हो गया हाँ और वो कह रहा है भाई मैं तो आपको तबाह करके मानूंगा वो देखो वो क्यों या तो देखो या तो किसी अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें अब देखो हर घर में या तो तंत्र की प्रॉब्लम हो रही है हर दूसरे घर में हाँ। या फिर ये नेगेटिव की लोग दूसरों से जल बहुत रहे इंसान मैं कहती हूँ इंसान सबसे ज्यादा बुरा है क्योंकि अच्छा। उसके पास शरीर भी है वो कर्म भी कर सकता है और वो क्या कर रहा है तंत्र कर रहा है इसको नुकसान कर दो ये कर दो तो तांत्रिक क्या कर रहे हैं इनको गुलाम बना के फिर उनको उसके घर में आ तो भेजेंगे हाँ उस समय एक बात रह गई थी यही मैं इसी से ही रिलेटेड कह रही हूँ प्रेत से जैसे कि मैंने आपको उस समय बता रही थी वाली बात मैं कहती कह अब जैसे अबाश तो अंदर एंटर हो जाते हैं प्रेत क्या करते हैं प्रेत आसपास रहेंगे ना चिड़चिड़ाहट सी होगी अच्छा। बेचैनी सी होगी घबराहट सी होगी जैसे कुछ अनकंफर्टेबिलिटी लगती है ये होता है वो अंदर तो एंटर नहीं करते लेकिन आपके अंदर अतृप्ति जो उनके अंदर है वो आपके अंदर लेकर के आते हैं एटमोस्फेयर में कहीं आप जाते हैं संतुष्ट हो जाते हैं ना मंदिर में जाके वो संतुष्टि नहीं हो पाती आपको

पूरा कैच कर लेते हैं इसीलिए तो है। आप रखो, रखो, है। अच्छी चाहिए ना नींद अच्छी हो खाना अच्छा फिर सारी चीजें ठीक रहेंगी आपने जैसे मुझे बताया कि भाई मेरी किसी से दुश्मनी है मेरे कुछ कर्म नहीं है मेरी किसी से दुश्मनी है वो उसको मेरी से जलसी है उसने कोई तांत्रिक को पैसे वैसे दिए उसने एक कुछ क्रिया करी और हाँ। मेरे घर पे किसी को, को अगर अच्छा, करते है, दिया जलता है अगर आप सारा दिन भी जैसे लोग दिया जलाते हैं अपना आपके मंत्र पाठ होता है घर में आप लड़ाई नहीं करते नेगेटिव दूसरों की बुराई कलेष नॉनवेज नहीं बन रहा है आएगी नहीं ना वो आपके घर वो करेगा आप थोड़ी देर लिए परेशान होंगे लेकिन आप हैंडल कर लेंगे चल कोई बात नहीं चलता है ऐसे हल्का सा हमारा सर दर्द हुआ हमने दवाई खा ली तो ठीक है चलता है जैसे तो? कि मैंने बताया कि मेरे ऊपर वो भाई उस एनर्जी को बताना था कि भैया मुझे मुक्ति दो मैंने कहा को, वो कोई नेगेटिव मुझे करने नहीं आई है मुझे कहने आई है कि मैं क्योंकि मैंने हीलिंग में डाल दिए थी एनर्जी ना कहीं चली जाए गायब हो जाए उसने कहा भाई मुझे मुक्त कर मुझे क्यों फंसा रही है कि मैं कहीं दब जाऊं मुझे फ्री होना है मैंने कहा उस एनर्जी को फ्री करो कोई वो मेरी दुश्मन थोड़ी ना थी उसने तो सिर्फ मुझे सोर्स लिया ना तो मैं थोड़ी ना कहूंगी कि वो मेरे तो, वो भी तो बेचारे मुक्ति ही तो चाहते हैं तो हमारा मोक्ष ही है ना अब हम सब लोगों ने भी क्या है एक दिन मर ही जाना है है ना ना हम हम सब भी क्या है, हम भी क्या इनमें से कुछ ना कुछ बनेंगे अच्छा मतलब ये जरूरी होता है की मरने के बाद आदमी इस योनि में जाता ही जाता है पहले तो यही होगा ना पहले अच्छा। तो वो प्रेत ही बनेगा जैसे ही अलग होगा वो प्रेत ही होगा तभी तो हमारे वो सब कर्म होते हैं कि सारी इनकी चीजें क्योंकि छाई किसी की भी सडन एकदम से डेथ हो जाएगी तो इच्छाएं नहीं होंगी चाहे वो बूढ़ा भी होगा तभी कहते हैं कि जिनकी पूरी एज हो जाती है तो इच्छाएं अपनी पूरी करके जाते हैं फिर तृप्ति रहती है चलो कोई बात नहीं घर वाले भी कहते हैं नहीं ज्यादा नहीं रोना चले जाओ तो वो उसको भी लगता है नहीं अब मैं अलग हो गया हूँ मैं चला जाऊं क्या करना मैंने क्यों द्वेष रखना क्यों राग रखना फिर गीता पाठ होता है सब होता है ना गरुड़ पुराण गीता पाठ उससे बताया जाता है अब आप फ्री हो गए अब आप जाओ उस आत्मा को भी कहा जाता है फिर वो हल्की होगी जब राग वे से निकलेगी अपनी इच्छाओं से मुक्त होगी वो ऊपर चली जाएगी नहीं होगी तो यही रहेगी तो मैम एक बार बताओ फिर जैसे ये इनका दुनिया अलग है इनको हाँ। हमसे कोई लेना देना नहीं है है लेना देना ना हम में से सवाल पूछना ले मुझे क्या ये हमारे साथ इंटरेक्ट करती हैं ये जो आत्माएं होती हैं ये जो ये जो एंटिटीज है ये हम लोगों के साथ बातचीत या हमारे ये हमारे बीच में ही घूमती हैं हाँ ये हमारे बीच में ही घूमती है ये हवा जैसी है हमसे इंटरेक्ट भी करती है कुछ लोग इनको देख लेते हैं आप देखो तांत्रिक देख लेते हैं जो भी स्पिरिचुअल है

तो आपकी फेस रीडिंग में करूँ तो स्पिरिचुअल तो आप है ही हैं मैंने आपको तब भी कहा था कि आप शिव भक्त हैं जैसे मैं अभी आपकी वाइफ के बारे में भी बता रही थी कि वो ऐसी होंगी वो तो सब एनर्जी बेस ही है क्योंकि शिव भक्त तो आप लग ही रहे और आपकी फेस रीडिंग कुछ ऐसा नहीं है आपके मन में कि भी जो करना है वो पूरी क्योंकि मुझे सिंह राशि का इफेक्ट आ रहा है तो आपकी कुंडली में है सिंह राशि का या तो चंद्रमा होगा या लगन या तो कुछ या सूर्य है।, <laughs> है क्योंकि उसका मुझे इफेक्ट लग रहा है कि भाई अपने होल्ड से अपने हिसाब से काम करना है क्योंकि कुंडली भी देखते हैं तो अपनी मर्जी के हिसाब से जो चीजें ठीक है उन्हें करो गलत बात आप सहन नहीं कर सकते टेंथ तो, हाउस में गुरु का इफेक्ट लग रहा है तो गलत बात नहीं सहन करते वो लोग क्योंकि वाणी में भी है कुछ गुरु का इफेक्ट अगर टेंथ में होगा तो दृष्टि भी पड़ती है अभी हम वापस आते हैं स्प्रेकी ये हमारे साथ कैसे इंटरैक्ट करती है ये इंटरैक्ट करती है हमारे साथ अगर जैसे कभी हम बैठे हैं घर पे और कभी अचानक से कोई चीज हिल गई आ, कोई चीज गिर गई जैसे किसी की डेथ हुई अचानक से कुछ घर में गिर गया और कभी हम रात को सो रहे होते हैं ऐसा लगता है किसी ने जगाया होता है कईयों को ऐसा लगता है नींद में जैसे वो आ, कहते हैं ना कि भई कोई दबा रहा है कोई मार के तो मुझे बहुत है

कोई अच्छा, कहते हैं ना एकदम से कुछ और लाइट जैसे कोई भाई जैसे अचानक से मैंने आपको बताया कल मैं प्रेस कर रही थी इन्हीं की बात करनी थी तो एकदम ही प्रेस जो है फटाक कर गई तो ये अपने अस्तित्व को बताती है कि हमें है हमें पता है कि हमारे बारे में तू बोल रही है तो वो एनर्जीज मैंने बताया डॉगी भी एकदम भाव भाव करने लग गया दरवाजे को देख के तो ये ऐसे अपना एहसास में जिनको समझ आ जाती है ऐसी बेचैनी एक चिड़चिड़ाहट

एनर्जीज uh, को अपने अंदर उस इच्छाओं को पैदा करके आपको लगेगा कि आप खुद ही भाई एक्साइटेड हूँ आप खुद ही कर रहे हैं और वो एक्चुअल में वो एनर्जीज भी आपके साथ इन्वॉल्व होंगी ऐसा भी होता है अच्छा। ऐसा भी लेकिन नॉर्मली नहीं होता है जो लोग नॉर्मली कहेंगे कि भाई हम खुद से कर रहे हैं तो भाई ये कहीं ऐसा ना हो वो तो नेचुरल एक प्रक्रिया है वो अलग है लेकिन एक एक्स्ट्रो हो जाना ना जैसे आप आराम से बैठे हैं अचानक से आप कुछ कर रहे हैं अचानक ही ये चीजें अचानक ही होती है अचानक ही आप एक्साइटेड हो गए तो मतलब नेचुरल है नेचुरल सी चीज है कि कोई और इच्छा है जो कि वो आपके थ्रू अपनी इच्छा पूरा करना चाहती है अगर आप वीक हैं आपको समझ आ जाए आप फटाफट उठ के आप निकल सकते हैं आप अच्छा। मंदिर में आप चले जाइए आप टीका लगा लीजिए अच्छा। आप मंदिर निकल जाइए आपको पता लग रहा है तो भी वो आपको तंग करेगी अगर घर से दूर मंदिर है तो आप रस्ते में गिर सकते हैं ये हो सकता है तो आप अपने आप को कर सकते हैं कि जैसे आपने जाप लगा दिया फोन में ओम नमः शिवाय लगा दिया ओम लगा दिया क्योंकि ओम में बहुत पावर है hmm. ओम में बहुत पावर है अगर आपने हाँ इन चीजों से बचना है तो ओम का तो जाप एक सौ आठ बारी रेगुलर करिए और वो ओम जो एक प्रॉपर ओम होता है ऐसे हम जो हम बोलते ओम। पूरा एक सौ आठ बारी और ओम नमः शिवाय में भी कंप्लीट पावर है कंप्लीट एक सौ आठ बारी वो जरूर कीजिए बैठ के ताकि नेगेटिव एनर्जीज आप हाँ करे ही नहीं अटैक कर ही नहीं पाए क्योंकि ये करती तो है ये 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 तो होता है। है, अच्छा। मैं हाँ, मैं जानती मेरी क्लाइंट के साथ हुआ, है, ये अच्छा। मैं जानती हुआ और सच में सबसे पहले तो हमें पेड़ लगाने हैं जंगल बनाने हैं पानी भी होना चाहिए वहाँ पे अंधेरा हो पेड़ों के नीचे शिवलिंग हो फिर हवन हमें रेगुलर करने मंत्र जाप रेगुलर होने चाहिए घरों में पूजा पाठ रेगुलर होनी चाहिए पंडित जी को बुला के दिया घर में रोज जलना चाहिए सूर्य को जल चढ़ाइए और शिवलिंग को जल चढ़ाइए तुलसी को जल चढ़ाइए तुलसी जरूर चाहिए घर में तीन पत्ते तुलसी के खाइए अंदर अपने आप ही वो पॉजिटिविटी आ, आ जाती है इसीलिए मेरे जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि भाई, बिल्कुल भूत प्रेत

अगर हम भाई गंदगी और ये चीजें करते रहेंगे तो ये जगह बनाती हैं फिर घर में तो अपने घर में वो चीज़ें मत रखो लड़ाई हुई है तो भैया फिर खत्म करो नहीं तो नेगेटिविटीज अट्रैक्ट होती है उससे और जितना आप हवन करोगे धीरे धीरे हल्की उ सारी आत्माएं ऊपर जाती रहेंगी धीरे धीरे और फिर वही वैतरणी इनकी पार हो जाएगी फिर हम लोग जाएंगे फिर इनका हिसाब किताब होगा और फिर जिसको जहाँ जाना है जिसकी जो बैकुंड जाना है या मोक्ष तो खैर बहुत बड़ी बात है जैसे अभी आपने बोला कि हर एक किसी को मर के भूत प्रेत या ये योनि में जाना मतलब ही पहले, है। पहले ये करना है फिर उसके बाद जो भाई आध्यात्मिक है वो तो तेरा दिन की बात होती है ना कि हाँ। एकदम ही सडन जब डेथ हुई फिर तो व्यक्ति चला ही जाता है जो आध्यात्मिक है वो तो सीधे मोक्ष में भी चला जाता है कई लोग कहते हैं ना कि ये तो 200 साल पुरानी कई बिल्डिंग होती है दो 200 साल से 500 साल से भूत प्रेत की प्रॉब्लम है तो जब इतने लंबे लंबे टाइम से ये इसी योनि में रह रहे हैं इनको छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि हम एक तो एक तो हमें पितरों के लिए जरूर करना चाहिए है ना एक तो पता नहीं कि उनके भाई वो किसके पितर हैं कौन है हमें हुँ। पता नहीं और वो पावरफुल हो गए 200 साल में उन्होंने कितनी पावर ले ली होगी 500 साल में अब इतनी बड़ी पावर को आप कैसे हटा सकते हैं पहले तो आप आसपास का तो पॉजिटिव करो माहौल आप पॉजिटिव करोगे मंत्र जाप होंगे वो वैसे ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे उनके अंदर की धीरे धीरे नेगेटिविटी निकलेगी ऑटोमेटिक निकल जाती है अभी आपने जैसे ओम का बताया था दिखाई थी कि आपके हाथ हाँ, 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 मैं हजार 2015 से मैं कर रही हूँ अच्छा, और दो हजार सत्रह में ये एकदम प्रॉपर ओम है आप चाहे हाँ, तो उसको देखिए हम लोग लग करिए करिए और ये ना टैटू नहीं है ये नेचुरल है और अपने आप बनाकर मैंने कभी अपनी विडियोज में इसको शो नहीं किया अपनी जानकार के लोगों को मैं दिखाती हूँ मैं कर, मैं फर्स्ट टाइम बता क्योंकि मैंने कहा क्यों लेकिन जब तक आज्ञा नहीं होगी उस ईश्वर की तब तक मैं, मैं, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ दो शिवरात्रि के समय अच्छा तो आ, आपको कैसे फील हुआ कि कुछ है, है मैं तो ओम नमः शिवाय करती रहती थी शिव भक्त मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आता और अचानक से बस यूं ही मैंने शिवरात्रि के बाद देख ली शिवरात्रि तो वैसे ही हमारे लिए बड़ी स्पेशल होती है जो भी हाँ। शिव भक्त है हम सबके लिए ही होती है अचानक मैंने देखा मेरे हाथ में क्या है ये तो ओम है तो फिर ये ये, ये, तो ये है तब तो से फिर मैंने कहा भगवान अभी से लेना मत मैंने कहा बाप ने जो ठप्पा लगा दिया है ना अपनी बेटी के हाथ में इसे लेना मत बस तो अभी आप शिव की बात कर रहे थे शिव जी मुझे एक बार बताओ शिव जी और ये भूत प्रेत और ये सब जो योनिया है इनके बीच में कनेक्शन क्यों है और क्या है ये, ये कनेक्शन है है। अच्छा। तो तो है। तो है। शरारती हैं बस वो बच्चे उनके पास शरीर नहीं है ये ऊर्जाएं ही तो है कोई ये वो कोई दुश्मन थोड़ी ना है तो वो कोई नेगेटिव भूत प्रेत थोड़ी ना थे जो कि उनकी विवाह में जो गए थे भूत प्रेत नाच रहे थे सब पॉजिटिव ही है उनके लिए तो उनके लिए वो शरारती बच्चे हैं वो बच्चे हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई अभी जैसे हम कह लो कि फेल हो गए वो माँ बाप के लिए तो फेल हुआ हुआ बच्चा और पास हुआ हुआ हमारे पास शरीर है उनके पास शरीर नहीं है तो शिव को क्या फर्क पड़ता है वो तो खुद भस्म लगाते हैं अपने ऊपर जो मृत्यु के बाद वही राख वही तो लगाते हैं शिव को क्या आप? उनके लिए सब एक ही तो है उन्हीं की तो ऊर्जाएं तो मैम एक बात बताइए आप जैसे आपने बोला कि आप से कनेक्शन हो जाता है स्पिरिट्स का हाँ लेकिन फिर मैं डर गई उसके बाद फिर मैंने चीबॉल बनाई मैंने कहा मुझे इनका कनेक्शन मत दो फिर एक दो बारी और कनेक्ट हुआ एक केस कुछ हो रहा था फिर वो वकील से मैंने बोला कि आपको एक ऐसा कह रही है फिर मैंने कहा भैया मेरे से कनेक्शन ना करो मेरे को नहीं है बिल्कुल भी तुम लोगों में इंटरेस्ट मेरे को इसी दुनिया में रहने दो लेकिन फिर मुझे डायरेक्शन मिल गई थी कि नहीं भैया तुझे इनके लिए कुछ तो करना ही है करना पड़ेगा पावर नहीं होती ना कि जिससे वो बात कर सके हाँ फिर ये कहो कि आज वो अब मैं अब मैं तो तब से ही जान रही थी लेकिन मैंने बोला नहीं मैं डरती भी थी ओम का भी नहीं बोला मैंने कहा नहीं भैया हम हमें रहने दो हम शिव शिवभक्ति अच्छे हैं हमें नहीं और भूतों के बारे में नहीं बोलना लेकिन आज जैसे अब आपसे बात हुई मैंने देखो पॉडकास्ट में हो रहा है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो जानता है वो भी नहीं बोले उन क्योंकि लोग डर रहे हैं इनसे बहुत ज्यादा ज्यादा डरने से जरूरत है कि इनके साथ भी इनके इनके साथ साथ इनको समझो सहानुभूति भी रखो इसमें कुछ अच्छे भी हैं उनको कोई पूजा करने को नहीं मिल रही उन्हें शिवलिंग नहीं मिल रहा पेड़ के नीचे एक बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ कोर्ट केस के लिए मैं गई थी कोर्ट में वकील तो मैंने उसको वकील के लिए कोई एक एनर्जी अचानक से उसी समय की बात है कनेक्ट हुई कि भी इनको बता दो कुछ मेरा ऐसा नाम है मुझे क्लियर भी नहीं समझ आया केस जल्दी करें और एक्सीडेंट का ही था कि मेरी फैमिली को पैसे की जरूरत तो मैंने उस वकील को बता दिया मेरे को लगा भी को भी... अच्छा, उसका कोई आप से कोई आपसे रिलेटेड नहीं नहीं, 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 था उस वकील से केस कुछ भी नहीं था मैंने उनको बता दिया वो वकील डर गया अरे नहीं ऐसे नहीं आप क्या कह रहे हो मैंने कहा मेरे को पता चला मैंने बता दिया कि उसकी फैमिली को प्रॉब्लम आ रही है वो जा नहीं पा रहा है वो कह रहा है कर दो तो मैं चले जाऊँ डॉक्टर या कुछ था ऐसे अच्छा। मतलब अच्छा था वो जो पर्सन जिसने कनेक्ट किया फिर मैंने जाके भगवान से प्रार्थना की मंदिर में फिर मैंने हील किया मैंने कहा भगवान मेरे को नहीं इन एनर्जी से एनर्जी से कनेक्ट होना मुझे मत तुम माध्यम बनाओ मुझे छोड़ दो फिर इतना तो भगवान ने कहा नहीं भैया तुझे करना पड़े करना तो इनके लिए है अब मैं तो स्पिरिचुअल नहीं थी एक्चुअल में मैं अच्छा। मतलब ठीक है मुझे एनर्जीज भी दिखती थी डरती भी थी मैं लेकिन मैं बहुत कोई पूजा पाठ नहीं करती थी मेरी मम्मी करती थी बहुत पूजा पाठ हम मतलब हम इतने इतनी, इतनी पूजा पाठ देखी कि हमने कहा मम्मी क्या है आप भी क्या हो गया आप दिन रात पूजा ही करती हो और कुछ आप करते नहीं तो मेरे को बिल्कुल नहीं था लेकिन जब मैं गई एक बार ही वही जहाँ मैं रहती हूँ घर के पास एक मंदिर है मूर्ति है वहाँ शिव जी की वो है बहुत पुराना तो वहाँ गई अचानक से मैंने मूर्ति देखी शिव जी की और बच्चे थे मेरे मतलब होंगे फिफ्थ सिक्स मतलब हो गए थे थोड़े बड़े

मुझे कौन सा टॉपिक बनाना है वीडियो का मुझे क्या करना है अभी भी कहा शिव ने कि देख जो काम तेरा मैंने बोला था ना वो अब होना ही है यही है और वो तरुण शर्मा को मैंने ही चुना है मैंने ये बात आपको बताई भी थी मैंने कहा कोई बोले या ना बोले कि मैंने ही ये चीज चुनी है और मैं ही ये चीज कर रहा हूँ यही है तेरा काम करने का उन्होंने मुझे तभी बताया कि करना ही है भाई अच्छा। ये तो उसके बाद से तो फिर मैं उनके साथ पूरी कनेक्ट हूँ मुझे जो प्रॉब्लम होती है बोलती हूँ तो मैं उनको रोते हुए भी देखती हूँ उनकी मूर्ति में जब मुझे तकलीफ है क्योंकि वो कहते हैं कि देख झेलना पड़ेगा ये तो कष्ट है तेरे और मुझे भी भाई बड़ी लंबी मैंने भी बड़ी कष्ट झेले क्योंकि कोरोना में पता है सब लोगों ने अपनों को भी खोया मैंने भी खोया और बड़े बड़ा वो बुरा सा टाइम था काटा और मैं बोलती रही मंदिर में रेगुलर जाती थी दूर है मेरे घर से मैं फिर भी जाती थी और एकदम चीजें बदली थी ये ओम और ओम नमः शिवाय करके एकदम से ये चीजें पलटी भी खाई जो मैं उनसे मांग रही थी लेकिन वो बोलती कि भाई अभी, अभी तो झेलना ही पड़ेगा मैं भी झेला मैंने भी दो तीन साल कष्ट क्योंकि फिर पेरेंट्स एकदम से चले गए थे और फिर बड़ी सारी चीजें क्योंकि हम फिर शिफ्ट होकर यहाँ आ गए और बॉम्बे से तो फिर वो एडजस्ट ही नहीं होता ना वो अंदर से कैसे निकलेगा पेरेंट्स का हाँ वो चीज तो फिर खत्म ना होने वाली है ना वो दर्द तो फिर तो और भी बड़ी सारी चीजें लेकिन अब तो बस वही है अब मुझे तो पता है बस फोटो मैं रख लेती हूँ शिवजी की उसकी मंदिर की है कुछ होता है तो पहले सुबह उठ के मेडिटेशन से पहले देख लेती हूँ क्या होना है क्या नहीं होना है क्या है मेरे लिए डायरेक्शन तो अब उसके बाद कनेक्शन बन गया फिर अब कुछ नहीं है तो मैम अभी एक बात जैसे हम लोग जितने भी पॉडकास्ट वगैरह तो उनमें ना सब बहुत बुरी बातें बताते हैं हाँ भूत प्रेत के और में कि ये ये होते हैं वो होते हैं मतलब तो मैंने आज तक कभी किसी को पॉजिटिव कुछ बताते हुए नहीं देखा इनके बारे में जैसे आपने बताया कि भाई हमको इनके लिए भी करना चाहिए तभी

तेंतीस करोड़ देवी देवता आजकल लोग कहते हैं कोटि मतलब प्रकार प्रकार नहीं है तेंतीस करोड़ प्रकार की ही एनर्जी यहाँ अच्छा। है पॉजिटिव एनर्जी है अच्छा। हमारी ग्रोथ के लिए जैसे हम तो अग्नि जल वायु हम तो सबको कह लेते हैं ना देवता जो भी हमें प्रोटेक्शन दे रही है पॉजिटिविटी दे रही है, है। वो ऊर्जा है तो तैंतीस करोड़ पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं इस दुनिया में तो प्रोटेक्शन वो देंगी ना ये क्यों देंगी हमें हमें क्यों चाहिए इनकी प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए

कोई और देंगे ना प्रोटेक्शन जो कि उनकी भौतिक रूप में कर सके वो ऊर्जा रूप में क्या कर लेगी तो मैम इनको पता होता है कि ये अब ये बन चुकी है क्योंकि ऐसा भी तो होता होगा ना जैसे किसी की डेथ होगी हाँ। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या हो गया हूँ क्या बन गया हूं? पहले तो नहीं कर रहे ही कहानी, हम ठीक से नहीं करेंगे हम नहीं। ही पॉजिटिविटी नहीं करेंगे कि हम भाई ठीक से दान नहीं दे रहे पंडित को देते हैं ना सब कंबल वम्बल क्योंकि इनको यात्रा करनी होती है लंबी तो फिर इनको भी समझ आता ही होगा और नहीं समझ आए हम तो कह रहे हैं भैया पितृ बनो और जो

क्या दान करना चाहिए कि इनसे छुटकारा मिले या आ, क्या इनका सिर्फ एक पिंड दान करना ही उपाय है कि भाई नहीं, इनको नहीं, मुक्ति मिले बहुत सारे उपाय हैं अमावस्या के दिन आपको लग रहा है कोई एनर्जी आप उसके नाम से आप पंडित जी को दे सकते हैं अच्छा, हवन करवाइए क्या देना, देना चाहिए वैसे तो सफेद चीजें कहते हैं लेकिन पंडित जी को जो चाहिए उनको कपड़े दे दीजिए उनको अच्छा। कोई जरूरत है वो दे दीजिए अच्छा। लेकिन जरूरतमंद को ऐसा नहीं कि वो पंडित ऑलरेडी इतना तो ज्यादा अमीर है है।, है है कि उसको दो जिसको भी जरूरत, जरूरत है। है। दान वही काम होता वरना तो फिर वैल्यू ही नहीं है क्योंकि आ, जैसे हम लोग जब ये करते हैं श्राद्ध के टाइम पे हम लोग वो चीजें कर देते हैं जो हमारे पितरों को पसंद है क्योंकि जैसे मेरे फादर थे उनको ये पसंद था तो उस दिन वो बनाया जाता है

जो मैंने आपको हीरे वाली बात बताई थी इनको लगता है हमारे लिए बना तो इसमें वो भी ग्रहण करती हैं फिर। अच्छा और पंडित जी तो, तो पवित्र हैं, शुद्ध है पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनपे वो सब चीजें भी नहीं होती तो मैम एक एक और सवाल मेरा मतलब हम लोग काफी देर हो गई बात करते एक सवाल और है जिसमें जैसे किसी तांत्रिक ने कर दिया मेरे ऊपर कुछ काम

कुछ का कुछ बोल देगा तो अब इससे बचा कैसे जाए मतलब ठीक है जैसे आप बोल रहे हो कि इसका बाद में हाँ, तो उपाय है उसका हाँ, आपको पूजा पाठ देखिये पहले हाँ, सबसे, सबसे बढ़िया, ना सबसे बढ़िया पहले तो मैंने बताया जो नियम धर्म में रहेंगे जो हम हमारे जो भी अध्यात्म में हमारे धर्म में सारी चीज़ों का पहले से ही निवारण करके रखा है हमारे धर्म में कि आप टाइम से उठिए जल चढ़ाइए सारी चीजें कीजिए वो तो हमारे कह ही रखा है कि आप करें अपने पितरों का अलग से आप कर रहे हैं और आपकी कुंडली जन्म पत्री में सारी चीज़ें होती हैं अगर राहु केतु का आपके चंद्रमा पे भी इफेक्ट हो रहा है आपके मन पे आपके सूर्य पे भी इफेक्ट हो रहा है आपके लगन पे भी इफेक्ट हो रहा है

तो ऐसा कुछ होता है क्या नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब मैंने बताया ना तीन शरीर है वो तो उसका भौतिक शरीर है वो भौतिक शरीर का इस इस जीवन का उसका धर्म है जब माता आती है तब थोड़ी ना कोई वो अपवित्र होती है तो कुछ दिन पहले से ही इन चीजों को ऑटोमेटिक छोड़ देगी मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि अभी छोड़ेगी कुछ दिन पहले से ही वो पवित्र हो जाएगी अच्छा। सारी चीजों को छोड़ देगी उस राग द्वेष सबसे बाहर आ जाएगी तब आएगी वो पॉजिटिव एनर्जी वरना कैसे प्रवेश करेगी अच्छा और वैसे भी हमारा शरीर तो आई डों की उतनी पावर झेलने के हाँ हाँ तो वो हमारे जो और में हैं उसमें आती हैं ना कि बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं कह सकते आती तो हमारे सूक्ष्म शरीर में ही है अभी एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया जो हम उस समय कर रहे थे क्या कुंडली का तो हमारी कुंडली में प्रॉपर डिटेल्स होती है हमने कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से हमारे साथ ये ये प्रॉब्लम आएंगी वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे साथ संपर्क करेंगी हमें तंग करेंगी या हम पे कुछ ना कुछ होगा तो हमें पहले अपने राहु केतु को ठीक करना है जिस ग्रह में बैठे हैं जिस ग्रह के साथ बैठे हैं जिस राशि में बैठे हैं फिर अपने आप को हमें करना है भैया प्रोटेक्ट रखो तो फिर मुझे मेडिटेशन अब तो, तो खैर कुछ तो रा, सवाल रा, ही नहीं राहु केतु के भी कुछ उपाय हैं बहुत सारे उपाय हैं राहु केतु तो मतलब, end, दो तीन आप जल्दी से बताओ हाँ के। हा, राहु केतु तो देखो एक तो देवी की पूजा करना है अच्छा, और मतलब कोई भी देवी दुर्गा माँ दुर्गा हाँ कोई भी देवी भी कह सकते हैं और वैसे तो राहु केतु के अलग अलग है अच्छा। देवी माता लेकिन हम लोगों के लिए जो हम सांसारिक लोग हैं दुर्गा माँ की ही हम कर लें सीधी सी बात है राहु है नेगेटिव सी एनर्जी जैसे उलझी हुई हमारी तारे हैं कहीं भी फंसी हुई चीजें गंदगी कबाड़ वो अपने घर में बिल्कुल नहीं रखो अच्छा। तो ये नेगेटिव एनर्जीज जगह बनाएंगी हमेशा साफ सुथरा रखो बाथरूम क्लीन रखो पूजा पाठ रेगुलर घर में होने चाहिए लड़ाई नहीं करो जैसे बाल कई लोग ठीक से साफ नहीं करते अगर भाई घर में कोने कोने में पड़े हैं मेड

वो तो सबसे बड़ा उपाय है लेकिन बेसिक ही होता है जीवन इश्प, अब आप भगवान कितना सरल है शिव जी कितने सरल है क्या कहते हैं भोले बाबा है भाई कुछ भी दे दो वो खुश हो लेकिन हम कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं हम जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट जिंदगी तो इतनी सरल है ना हम उनसे कॉम्प्लिकेट करते हैं आप सिंपल रहो बेसिक चीजों को देखो अपना टाइम से सोना है टाइम से जगना है गलत मत सोचो दूसरों से सोच, जेलसी करोगे तो आपके घर में तो राहु का प्रवेश हो ही जाएगा मतलब आप प्रेतों को आमंत्रण कर रहे हो आप घर में बैठ के जेलसी कर रहे हो बच्चों को नहीं पता चलेगा प्रेतों को तो पता है वो आ गए वो खुश हो गए भैया ये भी जेलसी वाला है रहो के घर में तो मजा है मजा आ गया घर में कोने में पड़े रहो वो आपके अंदर और नेगेटिविटी डालेगा तो आपको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो

आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट टाइम वही होता है उस समय तो हाँ, तो। सूर्य के, के बाद ही वो ऊर्जाएं जो है ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि हम ज्योतिष के जो दिन है सूर्योदय के बाद ही मानते हैं खुद से जुड़ना जरूरी है मेडिटेशन क्या है आप अपने आप से जुड़ रहे हैं ना अपनी एनर्जीज को फील कर रहे हैं मैं कौन हूँ क्योंकि आपने ये बात करी तो ये बात भी कर देती हूँ हालांकि इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है इस मतलब मतलब भी है एक तरीके से लेकिन अभी हम भूत वाली एनर्जी की बात कर रहे थे अब हम जो बात करते हैं कि जो हम इतनी सारी आत्माएं हैं तो हर ये हम सोचते हैं कि हर आत्मा एक ही जैसी है ऐसा नहीं है अच्छा क्योंकि हर एक को बी अलग अलग चीजें मिली हैं जब भी हम इस दुनिया में आते हैं हर एक को एक अलग काम दिया गया है कि आप इस काम के लिए आए हैं जैसे कि इस गिलास का अलग काम है माइक का अलग काम है हम सब की शक्लें अलग अलग है तो आत्मा के पास एक पर्पस होता है जब वो इस दुनिया में आती है है एक एक तो बेसिक बेसिक एनर्जी एनर्जी जो जो मैंने बोला जो कि एटम है, एक बेसिक एनर्जी है। हम सबको एक पर्पस दिया जाता है हर आत्मा अच्छा। को तो उस पर्पस के साथ यहाँ पे छोड़ा जाता है ऐसा नहीं है कि आत्मा के पास कोई पर्पस नहीं सब एक सी है सब एक सी नहीं होती क्योंकि एक तो हमारी प्रकृति अलग है आप अलग है मैं अलग हूँ ये भी अलग है बैठा इधर हम सब अलग है पर हमें हमारी प्रकृति के हिसाब से क्या बेस्ट है वो हमें पर्पज दिया जाता है जाओ और ये वाला काम करो हम आते हैं हमें हमारे काम पता होते हैं तो हम क्या करते हैं बाद में भाई खाने पीने में अरे बर्गर अच्छा लग रहा है चौमीन अच्छा लग रहा है ये कपड़ा अच्छा है मुझे इसके जैसा बनना हम भटक गए लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तब तो हम आराम से बैठते हैं और अपनी उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं अच्छा मैं ये करने के लिए आया हूँ करने के लिए आई हूँ मुझे तो ये करना है फिर मैं बर्गर, में क्यों ये वाले काम अभी हम लोग एंड कर रहे हैं तो अगर किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करना हो या आपसे कंसल्टेशन लेनी हो तो वो कहाँ पे आपसे मिल सकते हैं या आपसे जुड़ सकते हैं थोड़ा सा वो डिटेल्स आप बता दो मेरा यूट्यूब चैनल है जो मेरे ही नाम से है रमा जोशी आर ए एम डबल ए जी ओ एस एच आई और मेरा जो नंबर है वो आप इसमें दे दीजिए व्हाट्सएप के लिए उसमें मुझे मैसेज कर देंगे वो लोग और यूट्यूब से भी देख सकते हैं बाकी तो मैंने जैसे आप, बताया मैं कुंडली भी करती हूँ हाँ इंस्टाग्राम में भी एक्चुअली कम है मेरी वीडियोस मेरे ही नाम से है उसमें मेरी कम है क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा है उससे भी मुझे जुड़ सकते हैं उससे भी जुड़ सकते हैं बिल्कुल कुंडली के लिए या रेकी हीलिंग सीखने के लिए अच्छा आप सिखाती भी हैं हाँ रेकी हूं। और मैं आ, मतलब पढ़ना भी सिखाती हूँ अच्छा। हाँ, कुंडली देखना भी सिखाती तो में डाल दूंगा ताकि लोग आपके साथ जुड़े हाँ, 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 रेकी के लिए मेडिटेशन भी सिखाती हूँ तो थैंक यू सो मच रमा जी हमारे शो पे आने के लिए हमें ये जो चीजें क्योंकि ये भूत प्रेत के बारे में ना बहुत नेगेटिव बातें फैलाई जाती हैं और बताई भी जाती हैं और है नेगेटिव भी हैं ना ये भी लेकिन लेकिन हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये बेचारी नेगेटिव उस वजह से नहीं कि वो होना चाहती हैं हाँ ये उनकी मजबूरी है वो उनकी मजबूरी है हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें खुद को अपने आप से भी जुड़ना है मेडिटेट करके पूजा पाठ करके खुद को भी स्ट्रांग करना है और हम अगर देख रहे हैं कि नेगेटिव है हमें कोशिश करनी है कि भैया हम कहीं इतनी पॉजिटिविटी अपने घर में करें कि अगर ये हैं तो ये पॉजिटिव हो जाए और ऊपर चले तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको अगर घर में लगे कि आपके घर में कुछ एनर्जीज हैं जो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं तो आपको क्या करना है मैम के जो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें उनसे बात करें कंसल्टेशन ले सकते हैं आप उनके साथ और देखते रहो तरुण शर्मा शो स्टे हेल्दी स्टे सेफ़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड बनाने में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग